इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये कौन सी गलतियां सुधार कर बचा सकता है सीरीज? क्या शिवम दुबे का कटेगा पत्ता? आर्यन पराग क्या होंगे टीम में शामिल? इंडिया वर्सेस श्रीलंका तीन मैचों की सीरीज का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 7 अगस्त को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाना है। इस सीरीज का पहला मैच टाई हुआ था, जबकि दूसरा मैच भारत ने 32 रनों से गवा दिया था। सीरीज में मेजबान श्रीलंका 1-0 से आगे है और भारत के लिए आखिरी मैच करो या मरो वाला बना हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा सिरदर्द टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर बना हुआ है। श्रीलंकाई स्पिनरों के आगे जिस तरह से भारतीय बैटर्स ने घुटने टेके हैं, उसने टीम इंडिया को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत को अगर सीरीज बराबर करनी है तो ऐसे में उसे हर हाल में आखिरी मैच में अपनी तीन गलतियों पर काम करना होगा। एक तो भारतीय स्पिनरों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, दूसरा मिडिल ऑर्डर में थोड़ा टक्कर खेलना होगा और तीसरा टीम सिलेक्शन को लेकर कुछ अहम फैसले लेने होंगे, तभी जा करके इस मुकाबला को अपने नाम। टीम इंडिया को अगर श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज गंवाने से बचना है तो उसको आखिरी मैच में श्रीलंकाई स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा। गौतम गंभीर की हेड कोच के रूप में यह पहली वनडे सीरीज है और वह निश्चित तौर पर हार के साथ शुरुआत नहीं करना चाहेंगे। भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी बार वनडे सीरीज में हार का सामना 1997 में करना पड़ा था। अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई वाली टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की भारतीय टीम को तीनों मैच में हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच तब से 11 वनडे सीरीज हो चुकी है और इन सभी में भारतीय टीम विजयी रही है। भारत मौजूदा सीरीज को नहीं जीत पाएगा क्योंकि पहला मैच टाई हो गया था, दूसरा मैच 32 रन से भारत हार गया था। अब उसकी नजर सीरीज बराबर करने पर टिकी है। भारत बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण इस स्थिति में पहुंचा है। आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच से स्पिनरों की काफी मदद मिल रही है और कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर भारत का कोई भी अन्य बल्लेबाज श्रीलंका के स्पिनरों का डटकर सामना नहीं कर पाया है। विराट समेत बाकियों को लेनी होगी जिम्मेदारी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अभी तक दो मैचों में 38 रन ही बना पाए हैं। उन्होंने आसानी से अपना विकेट गंवाया है, जो टीम के लिए चिंता का विषय है। कोहली इस मैच में उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोहली को रोहित से मिली आक्रामक शुरुआत को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक वह इसमें नाकाम रहे हैं।